मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल बुधवार को भी रही जारी, नहीं निकला कोई नतीजा। यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के आह्वान पर 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैंक के सामने धरने पर बैठे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि प्रायोजक बैंकों के अनुरूप बैंकिंग पेंशन व पीएफ समानता ग्रामीण बैंकों में भी लागू की जाए, साथ ही ग्रामीण बैंकों के निजीकरण व पब्लिक इशू के प्रस्ताव वापस किए जाएं, अनुकंपा नियुक्तियों की सुविधा अगस्त 2014 से लागू की जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर अब आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। नहीं, अभी ऐसा कोई निराकरण नहीं हुआ। ज्ञापन प्रेषित किया वित्त मंत्री को या स्थानीय प्रबंधन के द्वारा, और अभी आगे की रणनीति पे भी हम लोग शीघ्र निर्णय लेंगे। अप्रैल के 2रे या 3रे सप्ताह में हम अपने आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे, और ये निश्चित तौर पे है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में अब अगला कदम हमारा अनिश्चितकालीन बैंक बंद हड़ताल का ही होने वाला है, क्योंकि सन 11-12 में हमने 2 दिन का बंद किया था, अब की बार 3 दिन का बंद किया है, और यदि हमारी मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो हम आगे अनिश्चितकालीन ग्रामीण बैंक बंद कर जो है देशव्यापी बंद कर प्रस्ताव रखे हैं, और संभवतः उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा।